खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे घर आया और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपना हमेशा एक काम मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा हृदय को छूने वाला था। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपने तौर का प्यार मिला है और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 सब तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए आपका बहुत आभारी हूं और मेरे लिए यहां आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूं और ये COP20 में ही मैंने मन बना लिया है। मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा और मेरे लिए जो भी अपेक्षा हो भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय पर सहमत, ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट के बिना संभव ही नहीं, और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। इस समझौते के बाद 1 साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई, ये और हमने पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं, अगर हम तय करें तो कर सकते हैं। और इससे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। UAE का भारत का भारत में सबसे चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। UAE की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है, उसकी गारंटी। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ADI के द्वारा गुजरात की गिर सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम गिर सिटी में डाटा एनलिस्ट
यूनिवर्सिटी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी डेटा एम्बेसी अपने आप में एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहां मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहां आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी ऐसा मैं देख रहा हूं। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी साइबर का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया गया है। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवंत उदाहरण है। ऐसे विभिन्न सहयोग हमारे संबंधों को यूनिक बनाते हैं और उसमें आपके नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर एक बार इस गर्व में जोर से मेरे स्वागत के लिए और इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए आपका हृदय से